नमस्कार, श्री जसनाथ आसन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखा रहे हैं श्री जसनाथ आसन पांचला सिद्धा स्थित सब्जी बाड़ी के दृश्य, जहां पिछले 7 सालों से रामू जी इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं रामू जी से, जो हमें यहां उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस मौसम में कौन सी सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती हैं। रामू जी बार है सबको कर रहे हैं कि कई कर सी लेना है के करो रामू जी। अब मैं इनमें घास निकाला है ना, गोड़ा भी उधर मैंने घास भी निकाला है ना। अच्छा, दूसरी जगह लाल सब्जी के अलावा इनमें जो की चीज बाहर निकाल ये वो है, देखो घास निकाला है। हां घास निकाल ले मऊ और बाकी की है। अच्छा मैंने आप बताओ रामू जी, कितना साल हो गया आपने काम करता? मैंने 8 साल हो गया परमानेंट, लगातार परमानेंट 8 साल हो गया आपने। हाँ। तो आप सेवा दे रहे हो कि आसन की तरफ आपने मतलब बेंट वगैरह की सैलरी तरफ खाली सेवा दे रहे हो? बिल्कुल फ्री सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो रामू जी, आप कितना तन मन हुए, देखो 8 साल जो है सीधा हो गया है रामू जी ने अटे सेवा देता है, बिल्कुल फ्री सेवा दे रहा है। और जो पूरा वेजिटेबल गार्डन है और आप रामू जी तनों ही है, बाप जी के पूरा है जो रामू जी तनों कीड़ो है, अटे खाद भी देना है, कई टाइम कई सब्जी बोनी है, फल फ्रूट है, अंगो पूरा ध्यान जो है रामू जी आप ही रखो। हाँ मैं बिल्कुल रामू जी रखे, देखो सर। और अब रामू जी ने पूछा थे तो रामू जी यूँ पहले कहीं करता आप? पहले मैं खेती भी काम करता हूँ। अच्छा पहले खेती और मैं काम करता। 7 साल पहले CRPF में सर्विस करी। ओहो, देखो आप जॉब में सरकारी नौकरी CRPF में आ, तो CRPF में आप कितने टाइम काम किया? 7 टाइम 71 में भर्ती हुई हो। 71 में और वो देखो पाकिस्तानी इकोतर की जगह लड़ी हुई यहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। हाँ। और उन पर 7 साल के पद में डिस्चार्ज ले लिया। अच्छा डिस्चार्ज ले, तो कटे कट रहे आप 7 साल बिजली में? 7 साल जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में रही हो, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, और आसाम में, आसाम में, और बिहार में, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश, मतलब ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में काफी जगह है आप रहे बिन टाइम सेवा दी भी। अच्छा, और अठे तो आसन जो है 7 साल हो गया परमानेंट, आप जरूर आओ। अभी रामू जी आप क्या करने वाले हैं अभी? ऐसे ही अभी पानी पिलाएंगे, अभी कहीं गोडाई करेंगे, पानी पिलाएंगे, उसका निराई गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ जैसे कि अभी पीछे एक बहुत ही चमकीली सब्जी दिख रही है, जैसे ये लेटस है, ये नाम है लेटस, ये सब्जी है, ये अमेरिका को बीज मंगाए हुआ है, लेटस है, सलाद काम आया करे। ये होटल में है 500 रुपये प्लेट इनाम, इतनी महंगी है ये, तो ये पता नहीं ये सलाद बनिया करे। अच्छा, तो लेट्स है ये जो है आप बता रहे हैं। अच्छा सलाद में काम आता है, सलाद काम आवे, पता तोड़ के फिर नींबू है वगैरह डाल के भोजन के साथ में काम मिलेगा। अच्छा, तो बहुत महंगो सलाद है। हाँ, मतलब अपने अच्छा बहुत 5 स्टार होटलों में मिले सलाद है। हाँ, मतलब एक इतने पता कि भाई 500 रुपये प्लेट में बहुत महंगो सलाद है। और देखो दोस्तों, आज बहुत महंगो सलाद जो को है आपने रामू जी बताया है, और आसन में, और वो बीज जो को है अमेरिका में लौड़ो है, जो गुरुदेव अमेरिका वो श्री रहते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अठे एक अपने हैं जो गुरु जी के शिष्य में ही है, सृजन नाम है, वे अमेरिका में बीज लाया है और कई सालों में। अच्छा बात है, आज की आपने सब्जी दिख रही है, आज पालक है, सर्दी में किन टाइम बोया करो पालक आप? सितंबर में मैं शुरू कर दो। अच्छा, हर 15 दिन के बाद में फिर एक पहला बो दिया, फिर 15 दिन में लास्ट में ही हो। अच्छा ठीक है, लेटेस्ट जगह बोई वाला लेटेस्ट कब बो दे आप? लेटेस्ट है देखो सितंबर में। अच्छा लेटेस्ट सितंबर में बोई? हाँ सितंबर में, सर्दियों में, सर्दियों में बोई, सर्दियों में, सर्दियों सर्दियों में, गर्मियों में पता इनमें कीड़ा पड़ जाए, खाली काम हो, सर्दी में बिल्कुल काम आया करे। सर्दी सर्दी बीज बाद में आ जाए मार्च तक? हाँ बीज आई थी तो मोटा आ जाए नहीं, जान इन्हें सफेद सफेद ऊपर फूल आई, फूल हर में बीज आ जाए, काला काला छोटा छोटा, बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। मैं काट पड़ा सुकान पर बीज तैयार कर लो, तो लेटेस्ट में मतलब काट सुकान बीज तैयार कर लो आप, चलो बढ़िया बात है। और ए देखा लाइन हो 3-4 पौधा पाई उड़ा, एक ही पौधा है दिख रहे हैं, ये सहजन सहजन है पता। अच्छा, है अच्छा सहजन है। अच्छा छोटा ही है कोई मोटो भी? नहीं नहीं मोटा भी है, नहीं मैं बताऊं आगे। अच्छा, है मोटा, मोटा है। हां ये अच्छा, तो अच्छा ए देखो 3-4 पौधा तो लाइन हो पाया है, हाल है छोटा है, सहजन बोले उन्होंने, और मोटा भी है रामू जी कहूं आगे का पौधा है, बड़ा पौधा हुआ आपने बताऊं, हां बड़ा पेड़ टाइप पौधा है, और ए काम में यूं आवे सा इना फूल है पता ऐसे फूल जैसे यूं उन्हें तोड़ना पड़ा, आपने बताऊं ये फूल है, यूं हुडन ए पौन तोड़। अच्छा सू है, और पस उन्हें धो, और सब्जी है या दाल है वे पक जावे, पक जावे धोन उन्हें मोइने है दाल नोक परा,
और रड़ा एकदम नीचे भेज लेनो जान इनमें मतलब पौष्टिक है पौष्टिकता बनी उड़ी रहे बनी उड़ी रहे बस बहुत बढ़िया बताया आप अच्छी तो कहीं जगह पता और फूल है बे आप जगह है इनका तोड़ धो और डाल पकते ही ऊपर जो है आप पकन रहे डाल और नीचे लो डाल और इनमें गुणवत्ता यूं है सर गुणवत्ता बनी के गुणवत्ता यूं है कि 10 किला दूध में नौने ताकत आवे अच्छा इनकी विशेषता देखो एक गिलास इन्हें जूस पीणो आवे इतनी मतलब बढ़िया बात बताइए देखो इनकी कितनी ताकतवर है 10 किला दूध पियो और आप इन्हें पकते और फूल रो एक गिलास दूध पियो बिल्कुल इतनी इतनी ताकत थाने मिला 10 किला दूध की जितनी ताकत तो है आपने इनके एक गिलास जूस में पिला पता और फूल जूस हाँ फूल बहुत उपयोगी चीज बताई रहा मुझे आप जो कि आसन में आटे है जैसे वेजिटेबल गार्डन से हो आप देख रहे हो ये वेजिटेबल गार्डन के मायने का है बहुत ही औषधीय पौधा जगह है पूरा है तो सहजन को पौधो जो को रामू जी है आप कठो लाया सहजन का पौधा तो एक तो बाप जी है जो को कोई गमलो ही लाया और उन पते बीज है जगह मैं राख लाना होना तो चौमासे बरसात टाइम में उगाता जाऊँ उगता जावे अच्छा पहले बीज मतलब लिया है गमले टाइप में मैं समासे में उगा दो हाँ मैं आगे बताऊँ ना बीज टोटल अच्छा ठीक है वो बेट बड़ो पेड़ है हाँ, बड़ो पेड़ है मतलब और चीज देखो रामू जी सामने आप देख रहे हो बारे बहुत मोटा मोटा हरा पौधा है बहुत ही शानदार है पौधा उगड़ा है एक ही पौधा है रामू जी है केसर केसर लगी केसर की बात करो होली ने आया पगजा फूल आ और सर्जे सर्जे माँ केसर है केसर निपजे देखो आसन गए गार्डन गए मायने केसर का पौधा लगे केसर भी रामू जी जो है तैयार कर रहा है देखो रामू जी कितनी मेहनत कर रहा है जबकि जम्मू कश्मीर की वादियों में तो केसर तैयार हुआ है बा केसर रामू जी अटे रेगिस्तानी इलाके में और जसनाथ आसन गए अपने जो को वेजिटेबल गार्डन है ये गार्डन के मायने देखो सब्जियों के साथ साथ जगह आयुर्वेदिक पौधा है औषधीय पौधा है बांगे साथ केसर तैयार करने की पूरी मेहनत करिए तो रामू जी केसर आप कई साल पहली साल लगाई है पहली साल ही लगाई हमें पहली साल प्रयास है केसर है जो आप कटम लाया आप बीज लाया ये कोई आठ माली खेती करे हमारी अच्छा इन साल पहली बार खेती करे मैं मने ये बीज दिया देना कि आप वो देखो अनुभव करा कैडी हुआ कैडी होली ने इना तैयार हो जाए होली माते तैयार हो जाए पर कह गए अच्छा सर्दी में या करे आठ माली जी है भाई भी कोई खेती करे जना बा कनो आप बीज लाया भाई इन साल भाई पहली बार खेती मैं भी पहली बार खेती आज ना बहुत बढ़िया प्रयास की और मुझे अभी एक और आगे चलो और बाकी इस साइड में रामूजी एक पत्ता गोभी है अच्छा पत्ता गोभी है और धोरियों धोरियों मूली है अच्छा धोरी के मत मार देखो ते हां मैं तो पत्ता गोभी लगड़ी है हां और मूली है मूली भी आपने बताऊं मूली री इतनी तेज देखो बैठे भी या गजब है बीच में पत्ता गोभी है और ऊपर धोरी मत मार देगी पाल बांधड़ी है जो खड्डे की इतनी ऊपर ऊपर देखो ते ए जगह लगाई है ये बड़ी उपहार तुम बताऊं उन्होंने अच्छा आपने देखो ए उपहार ने बता दिया रामू जी देखो ते कि कितनी बढ़िया शानदार मूली लगड़ी है कितनी मोटी मूली है और देखो इन हिसाब री मूलिया है हां दोरिया दोरिया मूली लगा दे नी सब अच्छी तरह बैठ गई मैंने सब्जी दिया धोरी धोरी मूली भी जाता यार और देखो कितनी बढ़िया मूली लगड़ी है और देखो तो बहुत ही शानदार मूली है हां इतनी मीठी है और बहुत ही मीठी शानदार मूली है और इनमें कोई बाकी कोई खाद नहीं नकुड़ी है कोई खाद नहीं है खाली मीठो पानी है एकदम पीऊने अटे आसन बहुत जोरदार बहुत नवे है और बाकी एकदम देसी खाद लगी घोना बकरिया बेजो को मिंगनी कहो गाय गोबर की गोबर खाद है भाई बाकी कोई खाद अटे यूज नहीं ले ने कोई स्प्रे करे एकदम देसी खाद कितनी बढ़िया शानदार मूली तैयार हुई है देखो आप देख रहे हो वहां देखो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप केमिकल ना करें सब्जियां तैयार करो तो आसन के मायने शुरुआत हूँ आप मतलब सजेशन दियो जो को है कि गार्डन लगाओ बाप जी ने या बाप जी आपकी तरफ हूँ मतलब शुरू की भी हो हाँ, बाप जी आपकी तरफ हूँ गार्डन शुरू करियो पर देख रेख में है जो शुरू करी देख रेख आप शुरू कर दी बिल्कुल स्वयं आ गया कि आपने काम आवे हो नहीं वास्ते आप ला गया मन धीरे धीरे अनुभव वो करियो शुरू शुरू में हमारी थोड़ी रुचि खेती में मायने थोड़ी हमारी रुचि खेती में रुचि आपकी और फिर धीरे धीरे और भी अनुभव हो गया अनुभव हो गया तो बहुत बढ़िया अटे और कितने तरह का देखो आप सब्जियां दिखी ही आप दिखा भैया और अठे इन बारे में और ठीक के मतलब बताना चाहो कि किन टाइम पानी दो के टाइम में हर तीसरे दिन में पानी आने पाया करो हर तीसरे दिन से हाँ, दिन पानी पड़े अच्छा और खाद बीज कितना टाइम नाखो के नाखो करे खाद तो एक बार नाखो सिर्फ है जी जून रे महीने में खाद दिसा और उन्हें खड़ाई कर दो और उन्हें बाद में खाद नहीं नाखो क्या अच्छा जून में फुल साल में फुल खाद ना के और बाद बीच में खाद बिल्कुल बीच में खाद की देखो कहीं करे के गर्मी के मौसम में जून में एक बार कहीं पूरी सब्जियां वगैरह एक बार आज ये कट जिए अठ हो कोनी कब हो तो बिन टाइम के एक रह कहीं पूरी जकी भी जितनी सब्जी बोई उड़ी है ये पूरी जमीन में अठे है साहब ई सेट ला रहे है तो अठे पूरी कहीं खाद बिसा दे पूरी जमीन में आता ही मारे खाद खड़सा
और पिंग माते कहीं करे पछ खीर लगा दे हाँ। तो बा पूरी खाद जकी है जमीन में मिक्स हो जावे और बा खाद पूरे साल जोरदार मतलब हाले बा खाद घणी हाले साल भर हाल जी सब्जी के लिए। तो आप बात है बहुत बढ़िया बताई रहूँ जी। तो दोस्तों ये था वेजिटेबल गार्डन का पहला पार्ट और हमारी कोशिश रहेगी कि इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओम नमो आदेश।